हेलो दोस्तों, वेलकम टू सैम इन्फॉर्मेशन। हाँ, आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो ये है कि मटके का पानी कैसे हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, फ्रीज का पानी कैसे हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, आपने देखा होगा कि बाज़ारों में मटकों की एक बहार लग जाती है। पहले तो दोस्तों सबके घरों में मटके ही मिलते थे, लेकिन आजकल इसका प्रचलन कम हो गया है। आजकल फ्रीज ज़्यादा यूज़ होने लगा है, लेकिन आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में मटकों का ज़्यादा यूज़ होता था। मटकों का क्यों यूज़ होता था? क्योंकि मिट्टी में अपने आप में एक औषधीय गुण पाए जाते थे। तो विशेषज्ञों के अनुसार अगर मिट्टी से बने बर्तन यानी कि मटकों में अगर पानी रखा जाए तो उन पानी में भी वो औषधीय गुण मिल जाते हैं, जो हमारे शरीर पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे ही आप बाहर से आते हैं और फ्रीज में से पानी लेते हैं, पानी पीते हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आपके शरीर के टेम्परेचर और वो टेम्परेचर में कितना फ़र्क होता है। जैसे ही आप वो इतना ठंडा पानी पीते हैं तो आपके गले की जो कोशिकाएँ होती हैं वो सुन्न पड़ जाती हैं और ग्रंथियों में सूजन आने लगती है। जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, उन्हें तीन चार समस्याओं को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट तो ये कि उन्हें कोल्ड रहने लगता है, उनको वात की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है और उनका पेट निकलने लगता है और सबसे बड़ी बात है उनको कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम जो होती है ये फ्रीज के पानी से होती है। दूसरा, फ्रीज अगर आप मटके का यूज़ भी नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको ये स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि फ्रीज में प्लास्टिक की बोतल का यूज़ ना करें, कांच की बोतल का यूज़ करें। फ्रीज में अगर आप प्लास्टिक की बोतल रखें, प्लास्टिक की बोतल में जितने लंबे समय तक पानी रखा रहता है उसमें अशुद्धियाँ जमने लगती हैं और उन अशुद्धियों के कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम रहने लगती है। वहीं अगर आप मटके का यूज़ करते हैं तो मटके के पानी से आपको जो गैस है वो ख़त्म होने लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहती है आपको। आपको अगर लू लगी हुई है तो उस पानी से आपके वो लू भी दूर हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती है उन्हें डॉक्टर्स अक्सर सजेस्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा ना खाए, तो उनके लिए भी ये मटके का पानी ही मैं सजेस्ट करूँगी कि वो मटके का पानी पिएं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर एक क्रेविंग शुरू हो जाती है। उन्हें बहुत जो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू होती है वो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, साथ ही उन्हें मिट्टी खाने की क्रेविंग भी होती है, तो उनकी ये सारी क्रेविंग मटके के पानी से शांत हो जाती है। ये सारी बातें हैं। और एक चीज़ और कि आप अपना मटका कहाँ रखें और आपको किस तरीके का मटका लेना चाहिए। दोस्तों, आपको जो मटका लेना चाहिए वो गोल शेप वाला लेना चाहिए। आजकल बहुत सारी शेप में मटके आते हैं, लेकिन ठंडा उसी मटके में ज़्यादा होता है। दूसरा, मैं अपना मटका हमेशा एसी वाले कमरे में रखती हूँ, क्योंकि उसका पानी बहुत अच्छा रहता है, मतलब मुझे ठंडा लगता। अगर आपके यहाँ एसी नहीं है तो आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ हवा का आवागमन हो, हवा से भी, ताकि उस पर हवा लगे और पानी को वो ठंडा करे। दूसरा, अगर वो धूप में रखा हुआ है या फिर अगर आप पानी नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा चाहते हैं तो उस पर एक गीला कपड़ा करके रखिए ताकि आपको वो और भी ठंडा पानी दे सके। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।